अब की बार 400 पार का नारा भले ही भारत में फलीभूत न हो पाया हो, लेकिन ब्रिटेन में हो गया है। 400 प्लस सीटों के साथ ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने चुनाव में जबरदस्त जीत दर्ज की है, जबकि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को चुनाव में तगड़ी वाली हार मिली है। अब कीर स्टॉर्मर नए प्रधानमंत्री होंगे। आपको बता दें कि ब्रिटेन में कुल 650 सीटों पर चुनाव हुए, सरकार बनाने के लिए 326 सीटों की जरूरत होती है। लेबर पार्टी को चुनाव में 412 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी महज 121 सीटों पर सिमट गई है। कंजर्वेटिव पार्टी 2010 से लगातार सत्ता में थी, फिर इस चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि कंजर्वेटिव पार्टी अर्श से फर्श पर आ गई। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 वजहों की जिसकी वजह से ऋषि सुनक चुनाव हार गए। पहली वजह है अस्थिरता। भले ही कंजर्वेटिव पार्टी पिछले 14 साल से सत्ता में हो, लेकिन डेविड कैमरन के 6 साल छोड़ दें तो स्थिरता नहीं थी। ब्रेक्जिट का विरोध करने वाले कैमरन ने 2016 में इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद टेरेसा मे प्रधानमंत्री बनी। उनके कार्यकाल के दौरान पार्टी कई गुटों में बटी नजर आई। अपनी ही पार्टी में उन्हें ब्रेक्जिट करवाने के तरीकों को लेकर विरोध झेलना पड़ा। 3 साल में ही टेरेसा मे को भी जाना पड़ा और 2019 में बोरिस जॉनसन आए। बोरिस जॉनसन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, खूब पार्टियां करने के भी आरोप लगे। जब कोरोना महामारी अपने चरम पर थी, उस वक्त भी प्रधानमंत्री जॉनसन अक्सर पार्टी करते पाए जाते, जबकि उस वक्त ब्रिटेन में बड़े आयोजनों पर प्रतिबंध था। जॉनसन की पार्टियों का मुद्दा संसद तक पहुंच गया था, उन पर संसद में झूठ बोलने के भी आरोप लगे। 3 साल में ही बोरिस जॉनसन को भी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। 2022 में लीज ट्रस अगली प्रधानमंत्री बनी। अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता थी। ट्रस ने वादा किया था कि वो बिना टैक्स बढ़ाए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आएंगी, लेकिन व्यवस्था कर नहीं पाई। महज 49 दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहने के बाद लीज ट्रस को भी इस्तीफा देना पड़ा। लीज ट्रस के बाद 2022 में आए ऋषि सुनक, जिन्हें जनता ने ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 2019 से 2024 के बीच 5 साल में ब्रिटेन में 4 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं, जबकि 1979 से 2007 के बीच 28 सालों में महज 3 प्रधानमंत्री इस देश में हुए। सरकार में अस्थिरता ने कंजर्वेटिव पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा कम किया। अब चलते हैं अगली वजह की ओर। दूसरी वजह है महंगाई। कोरोना महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए करीब 29 लाख करोड़ रुपए ब्रिटेन की सरकार ने कर्ज लेकर खर्च किए। ऋषि सुनक उस वक्त वित्त मंत्री हुआ करते थे। प्लान ये था कि कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी और कर्ज चुका दिया जाएगा, लेकिन इसी बीच रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हो गई लड़ाई। अमेरिका के साथ यूके ने भी रूस के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि महंगाई बढ़ती गई। सरकार के पास लोगों पर खर्च करने के लिए पैसे कम पड़ने लगे तो सार्वजनिक खर्चों में कटौती की जाने लगी, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ी। पिछले कुछ सालों में बेतहाशा बढ़ने वाली महंगाई बड़ा चुनावी मुद्दा बना। जरूरी चीजों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से लोगों का खर्च भी बढ़ता गया और लोगों के रहन सहन के स्तर में गिरावट होने लगी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार ब्रिटिश इतिहास में पहली ऐसी सरकार है जिसने ब्रिटिश लोगों को पहले से बदतर स्थिति में पहुंचा दिया है, और ये सब तब हुआ है जब 14 साल सत्ता में मौजूद रही कंजर्वेटिव पार्टी ने सार्वजनिक खर्चों में लगातार कटौती की। तीसरी वजह है गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ता टैक्स। 2016 में यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद से ब्रिटेन में आर्थिक उथल पुथल मचा हुआ है। ब्रेक्जिट से अर्थव्यवस्था की रफ्तार जो धीमी हुई, वो कोरोना महामारी और फिर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद उबर नहीं पाई। एक के बाद एक प्रधानमंत्री बदलते गए, सबने खूब वादे किए, लेकिन जो भी उपाय किए उनसे स्थिति और खराब ही होती गई। लीज ट्रस के 49 दिनों के कार्यकाल में बजट और टैक्स को लेकर जो फैसले हुए, उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ऋषि सुनक इसमें सुधार के लिए कुछ बहुत ज्यादा कर नहीं पाए, उल्टे लगातार टैक्स में बढ़ोतरी ही देखने को मिली। लगातार गिरती अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक खर्च में कटौती, बढ़ती महंगाई और बढ़ते टैक्स ने कंजर्वेटिव पार्टी के प्रति लोगों में गुस्सा पैदा किया। वहीं दूसरी तरफ लेबर पार्टी ने विकास और स्वच्छ ऊर्जा को समर्थन देने के लिए एक नेशनल वेल्थ फंड की स्थापना करने और कामकाजी लोगों के लिए टैक्स नहीं बढ़ाने का वादा किया, और लोगों के लिए नए घर बनाने को नई हाउसिंग नीति लेकर आने का भी
वादा किया, जिसको खूब समर्थन भी मिला। चौथा वजह है एंटी इनकम्बेंसी और रिफॉर्म यूके। कंजर्वेटिव पार्टी 2010 से सत्ता में है। इन 14 सालों में 5 नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, लेकिन डेविड कैमरन के अलावा कोई भी 5 साल का एक कार्यकाल पूरा न कर पाया। बार बार बदल रहे नेताओं, अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत, अप्रवासियों की समस्या और बढ़ते अपराध की वजह से लोगों में सत्ताधारी पार्टी के प्रति नाराजगी बढ़ी। यही वजह है कि बड़ी संख्या में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने या तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया या फिर पार्टी बदल ली। इसके अलावा कट्टरपंथी नेता नाइजल फराज की 2018 में बनी पार्टी रिफॉर्म यूके ने भी कंजर्वेटिव पार्टी को सत्ता से बाहर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंजर्वेटिव पार्टी और रिफॉर्म यूके पार्टी की पॉलिसी एक ही जैसी है। नाइजल फराज की पार्टी को इस चुनाव में 14% वोट मिले हैं, जो वोट शेयर के लिहाज से लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। भले ही रिफॉर्म यूके को चुनाव में केवल 4 ही सीटें मिली हों, लेकिन इसने कंजर्वेटिव पार्टी को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। पांचवी वजह है लेबर पार्टी का बदलाव पर जोर। लेबर पार्टी बदलाव के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरी। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर ने लोगों से वादा किया कि वो बदलाव के वाहक बनेंगे, जिसकी ब्रिटेन को जरूरत है। लेबर पार्टी ने नेशनल वेल्थ फंड टैक्स न बढ़ाने जैसे वादे तो किए ही, साथ ही नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS जैसी सार्वजनिक सुविधाओं में भी सुधार का वादा किया। नेशनल हेल्थ मिशन में स्टाफ की कमी और लंबी वेटिंग भी चुनाव में मुद्दा बना रहा। तो ये हमने आपको 5 कारण बताए जिन्होंने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को सत्ता से बेदखल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए लोकमत हिंदी।